हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ के बारे में कि विंडोज़ के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एस फॉलोस विंडोज़ के मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं नंबर वन पर हमारे पास आता है डेस्कटॉप द ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया डेट कंटेंस विंडोज आइकन्स मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स विद कार्ड डेस्क टॉप के अंदर जो आपके पास पहली आपको स्क्रीन नज़र आती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो वाला एरिया बेसिकली डेस्कटॉप कहलाता है जहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आते हैं मैन्यूज नज़र आते हैं और उन आइकनस और मेन्यूज़ की मदद से आप लोग अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इसे हम एक दफ़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये जो आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है ये बेसिकली जो एरिया है इस एरिए को हम कहते हैं डेस्कटॉप टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट आइकन्स मौजूद हैं आपने जो भी काम करना है आप इन आइकन्स के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो डेस्कटॉप इज़ द इंट्रिंग पॉइंट इन विंडोज़ ये जो डेस्कटॉप है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर होने के लिए पहली स्क्रीन या पहला पॉइंट कहलाता है डेस्कटॉप इज़ अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स विंडोज इज स्टार्टेड। डेस्कटॉप हमारे पास वो पहली चीज़ होती है जो हमें नज़र आती है जब भी आप अपने विंडो को या अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर आइकन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ एवरी थिंग ऑन अ कम्प्यूटर माई कम्प्यूटर की जो आइकन है ये बेसिकली डेस्क के ऊपर होती है और इससे आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जो फोल्डर्स हैं फाइल्स हैं उन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं इट इज़ यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सच एज ड्राइव फाइल्स एंड फोल्डर्स एट्सट्रा कि इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं लाइक like अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं और यहाँ पर आपको ये दिस पी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये दिस पी वाला ऑप्शन ही बेसिकली माई कंप्यूटर कहलाता है एक्चुअली इसका नेम अगर आप विंडो सैवन के अंदर बात करें तो विंडो सेवन के अंदर इसका माई कम्प्यूटर कहा जाता था लेकिन जो विंडो एट है या विंडो टेन है उसके अंदर इसका आइकन का नेम चेंज करके दिस बी रखा गया है मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी ये विंडो है अब यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद तमाम फाइल्स को या फोल्डर्स को या ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं कि इट इज़ यूज टू व्योर डिफरेंट रिसोर्स ये हम डिफरेंट किस्म के फोल्डर को या फाइल्स को एक्सेस करने के लिए माई कम्प्यूटर का इस्तेमाल करते हैं नंबर थर्ड में रिसाइकल बीन रिसाइकल बीन इज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया इट इज़ यूज टू कीप डिलीट फाइल्स रिसाइकल बीन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम अपने कम्प्यूटर में से जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बीन के अंदर चली जाती है वेन फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड इट इज़ नॉट रिमूव फ्राम हार्ट डिस्क परमानेंटली जब हम किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो उसी वक्त परमानेंट तौर पर डिलीट नहीं होती विंडोज़ मूव इट टू रिसाइकल बिन वो फाइल पहले रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है ये आपके पास स्क्रीन है अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर रिसाइकल बिन ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर हमारी डिलीटेड फाइल्स जाती हैं मैं जो भी फाइल अगर डिलीट करूँगा वो सबसे पहले जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर अगर मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ दैन दे वो आपकी वो फाइल परमानेंट तौर पर डिलीट हो जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं माई डॉक्यूमेंट्स माई डॉक्यूमेंट्स इज़ अ फोल्डर डेट इज़ आटोमेटिकली क्रिएटेड बाई विंडोज़ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये भी बेसिकली हमारे पास एक जगह होती है जहाँ जो आटोमेटिकली विंडो क्रिएट करती है जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कम्प्यूटर के अंदर ये माई डॉक्यूमेंट वाला एरिया जो है या फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है और ये इस बार होता है कि जो भी आपने अपनी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है कोई टेक्स्ट फॉर्म की डॉक्यूमेंट है कोई एम एस वर्ड की डॉक्यूमेंट है उसके लिए हमें यह माई डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि हर तरह की डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए हम ये फोल्डर इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट मेरे पास है माई नेटवर्क प्लेस माई नेटवर्क प्लेस फोल्डर ऑन द डेस्क टॉप इट कंटेन्स आइकन्स डेट रिप्रेजेंट्स ऑल दूटर नेटवर्क ये भी बेसिकली हमारे पास एक आइकन एक कम्पोनेंट होता है हमारे कम्प्यूटर के ऊपर या हमारे डेस्क के ऊपर जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं और आया कि मैं किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हूँ या नहीं हो मिसाल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं नेटवर्क वाला आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है मैं इस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो तमाम की तमाम लिस्ट जो हो जाएगी जिन नेटवर्क्स के साथ मैं बेसिकली कनेक्ट हूँ अभी क्योंकि मैं किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा अगर आपके पास कोई नेटवर्क या डिफरेंट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोर इज़ अ वेब ब्राउजर इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कम्यूटर के अंदर या विंडो के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोर कहते हैं ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है ये बेसिकली एक वेब ब्राउज़र है जिस तरह हम क्रोम या ओपरा एक वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से एक वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोर होता है जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारे विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है इट इज़ यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्राम द इंटरनेट इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है मेरे पास कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल इज़ अ प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क अगर हमें अपने कंप्यूटर की अपने सिस्टम की किसी भी किस्म की कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या अन इंस्टॉल करना है या अपने पासवर्ड्स को मैनेज करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग अन इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस यानी कि अगर हमें कोई नई डिवाइस भी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है या कोई डिवाइस को अपने कंप्यूटर से डी अटैच करना है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल पैनल इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लास्ट है में है पास स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन इज़ यूज एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर अगर आप अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट बटन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं लाइक ये आपका डेस्क है तो आपके पास ये कॉर्नर के ऊपर जो जो विंडो टाइप का नज़र आपको बटन नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्टार्ट बटन होता है मैं इस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास वो तमाम की तमाम सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं और यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बड़ी तेज़ी के साथ एक्सेस कर सकते हैं सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच